लगातार स्टूडियो से भी मेहमान ने परिचय करा दूं आपका, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं मैं जनरल जीडी बख्शी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ेंगे। अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता सोशल एक्टिविस्ट है मेरे साथ जुड़ रही है। अहमद अयाज साहब जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक, और प्रेम कुमार जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल बख्शी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी कि वो आतंकवादी जिसको मार दिया गया है, दुनिया के कई देश जिसके कदम से, जिसके आह्वान से, जिससे लोगों को भड़काने से परेशान थे, उसको खत्म कर दिया गया है, उसके समर्थन में भारत में आवाज उठ रही है, भारत के नेता आंसू बहा रहे हैं। देखिए, ना सिर्फ भारत के नेता, आप देखें बहुत सारे लोग इस बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग इस फिराक में हैं कि इसका पूरा जो है फायदा, पॉलिटिकल फायदा वो उठाएं, अपने अपनी रोटी सेकें इसके ऊपर, इस आग के ऊपर। तुर्की के एर्दोगान साहब पहले तो बोल रहे थे कि दुनिया के तमाम मुसलमान देशों को इकट्ठा होके इसराइल से लड़ना चाहिए, गीदड़ भभकी दे रहे थे। ईरान से अब ये आवाज़ें आ रही हैं, और हमारे देश में एक तबका है जो कि उनको लगा कि राजनीतिक रोटियां अब इस पे सेंक ली जाए। बड़ा सुनहरा मौका है राजनीतिक रोटियां सेंकने का, करे आएंगे ये लोग कुछ नहीं। किसी के लिए इन्होंने कोई धेले का काम नहीं किया है, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए भी नहीं किया, और अब ये उचक के बड़ा यहाँ पे रुदाली बन के आंसू बहा रहे हैं। अब वो एक टेररिस्ट संगठन यूनाइटेड नेशंस ने घोषित किया हुआ है, बाकी देशों ने घोषित किया हुआ है। वो लगातार वार पे वार कर रहा था इसराइल के ऊपर, 8 अक्टूबर से उसने रॉकेट फायर करने शुरू किए थे, और कोई 60-70 हजार इसराइलियों को घर से बेघर किया है। अब इसराइल ने भी पलटवार किया है, क्योंकि वो अहिंसावादी देश तो है नहीं, उसने भी जम के पलटवार किया है और बदला लिया है। कितने सारे टॉप कमांडर हिजबुल्ला के मार दिए हैं, प्रीएम्प्टिव अटैक्स किए हैं, जहां जहां रॉकेट्स डिप्लॉय किए थे फायर करने के लिए, इसके पहले कि वो फायर कर सके उनको निस्तनाभूत कर दिया है। इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन हिजबुल्ला की कंप्लीट है, टोटल पेनिट्रेशन है, और लोग अंदाज लगा रहे थे कि जवाबी कार्रवाई में जो हिजबुल्ला है वो कोई 1500-2000 रॉकेट प्रतिदिन फायर करेगा, 200-300 से ज्यादा रॉकेट वो फायर नहीं कर सका है। और क्योंकि या तो उसको प्रीएम्प्ट कर दिया गया है, या वो एस्केलेशन को नहीं चाहता, क्योंकि उसमें उसका समूल नाश हो जाएगा। लेकिन सर सवाल ये है, मैं वापस लौट रही हूं आपके पास। ये जो नेता है, खासकर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती, ये सबसे बड़ी आतंकवादी संगठन की सरगना बन गई है आजकल। सर वापस लौट रही हूं आपके पास, प्रेम कुमार जी, मतलब क्या इस तरह के आह्वान से, अपने चुनावी कार्यक्रम रद्द कर देने से आप क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? आप ये बताना चाह रहे हैं कि भारत के मुसलमान उस आतंकवादी के साथ खड़े हैं जिसने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है, जिसने कई लोगों की जान ली है, कई मासूम लोगों को मारा है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है ऐसे बयानों से? ये कार्यक्रम रद्द करके चुनाव है इसलिए? देखिए, एक बात तो है कि जो राजनीतिक निर्णय चुनावी फायदे के लिए उन्होंने लिया है, वो तो उनको लगता है कि फायदा होगा तभी लिया है, और ऐसा क्यों है? तो जिसको हम आतंकवादी बोल रहे हैं, जिसको यूएन आतंकवादी बोल रहा है, तो इसमें कई बातें हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़ों के बीच में ये अंग्रेज़ों का पैदा किया हुआ समस्या वहाँ भी है, जैसे यहाँ इंडिया पाकिस्तान कश्मीर सब देखता है, वैसे ही वहाँ भी वो लड़ाई है। अब उसमें यूएन ने कुछ रिजोल्यूशन लिए, इजराइल ने कभी माना नहीं। तो आज ये है कि देश में दो धाराएं दुनिया में हैं, हमारे देश में भी हैं, कि एक फिलिस्तीन के साथ, एक इसराइल के साथ। कोई किसी को आतंकवादी कहता है और उसी को कोई धर्म के लिए लड़ने वाला, इस्लाम के लिए लड़ने वाला भी कहता है। मैं कहता हूँ दोनों तरह की धाराएं। लेकिन हम क्या विदेश में घट रही घटना के लिए, किसी हिजबुल्ला के लिए, किसी नजरुल्ला के लिए, जो भी है विदेश के किसी व्यक्ति के लिए, हम क्या अपने देश की नेता को आतंकवादी कहेंगे? नहीं, आतंकवादी कहना या आतंकवादी कहने का मौका देना कौन दे रहा है?
नहीं कहना चाहिए अपने देश के नेता को, नहीं तो आप ऐसे आतंकवादी संगठन का समर्थन भी नहीं कर सकते है ना। वोट बैंक की राजनीति के लिए भारत के मुसलमानों को भड़काना और एक आतंकवादी संगठन के लिए मुसलमानों को एकजुट होने की बात करना, सर समझदार है भारत का मुसलमान, जानता है उसे क्या करना है। अगर अगर महबूबा मुफ्ती को आप उस आतंकवादी का सपोर्टर और आतंकवादी कह दें, कल को इजराइल अगर मिसाइल दाग दे महबूबा मुफ्ती के घर में, तो क्या हम बर्दाश्त करेंगे? आप ये बर्दाश्त करेंगे कि महबूबा मुफ्ती जो अपना कार्यक्रम नसरुल्ला के लिए रद्द कर रही है आतंकवादी संगठन के मुखिया के लिए, आप ये बर्दाश्त करेंगे? आप ये बर्दाश्त कर रहे हैं? आप ये बर्दाश्त कर सकेंगे? कर्नल सिंह विचारों के अभिव्यक्ति के नाम पे लोगों को भड़काने की आजादी नहीं हो सकती है? किसी को है तो लोगों को भड़काने की आजादी विचारों की अभिव्यक्ति के नाम पे नहीं हो सकती। प्रेम कुमार जी के घर क्यों नहीं गई आप ही पुलिस? प्रेम कुमार जी, हम आपकी इज्जत करते हैं क्योंकि आप जनरली पॉलिटिकल चीजों पर अच्छी बात बोलते हैं, लेकिन फिर भी मेरा सवाल सिर्फ अपने आप, अपने देश, अपने पॉलिटिशियन से है, क्या मेरी पॉलिटिक्स इतनी कमजोर और चीप हो गई है कि नसरुल्ला का नाम लूंगा तो मुझे 4 वोट फालतू मिलेंगे? बिल्कुल ठीक बात। क्या ऐसा सोचना, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, क्या ये एक बड़ा वर्केबल? सवाल उठाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। नहीं, मैं तो सवाल मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं, मुझे बताइए, चलिए अगर ऐसा ही है तो अगर मैं इस समय 4 बार खड़े होकर नसरुल्ला की जय कर दूंगा तो क्या मैं सीएम ऑफ जेएनके बन जाऊंगा? सही बात। तो आप क्या आतंकवादी बन जाएंगे? नहीं, मैं आ रहा हूं। यस, अब आपने जो बोला मैं अब उसका आंसर देता हूं। देखिए, अगर मैं हाफिज सईद की प्रशंसा में पूरी किताबें लिखूंगा, बात करूंगा, आपके नेशनल टीवी पर बैठकर जय जयकार करूंगा, तो एक्चुअली मैं उसको नहीं सपोर्ट कर रहा हूं, मैं उसकी टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा हूँ जो मेरे भारत के खिलाफ है, मेरे भारत के खिलाफ है। जहां तक नसरुल्ला का सवाल है, मैं आपसे एक बात ले ली, मैं आपकी सुन लूंगा, जरूर सुन लूंगा। मेरा सिर्फ जो सवाल अपने आप से उठता है, मेरे अपने, आप लोग मेरे अपने पॉलिटिशियन हो, कोई बाहर से नहीं आए हो, कोई आप टेररिस्ट नहीं हो, लेकिन जब आप किसी भी तरह के टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि नसरुल्ला को सपोर्ट करना टेररिज्म का सपोर्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि वो इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड एक टेररिस्ट है। और मुझे सिर्फ समझना है, कोई एक अच्छा काम, ह्यूमैनिटेरियन काम जो उसने मानवता के लिए किया हो, जिसके वजह से मैं भी खड़ा होकर एक सल्यूट दूं, सलामी शस्त्र दूं कि यस, अल्टीमेटली इस इंसान ने कोई तो अच्छा काम किया। और अच्छा काम किया होता तो सीरिया के मुसलमान आज जश्न नहीं मना रहे होते। वो सुन्नी मुस्लिम जो बार बार कह रहे हैं नसरुल्लाह के नेतृत्व में उन पर अत्याचार किया गया है। हस्तक्षेप ले लीजिए। हम सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं कि चलिए, महबूबा मुफ्ती जो बोल रही हैं, आप कह रहे हैं किसी आतंकवादी के पक्ष में कोई किताब लिख दी जाए, पूरा प्रशंसक हो जाए, तो उस चीज को रोकने के लिए क्या है हमारे देश में? क्या किस कानून नहीं है इस चीज को रोकने के लिए कि हम केवल डिफेम करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे? अगर महबूबा मुफ्ती पॉलिटिक्स कर रही है, बाकी लोग भी महबूबा को गाली देके पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उस राजनीति में राइट वोट बैंक में आप उन लोगों को क्यों खींच रही है जिनका उससे कोई मतलब नहीं है? महबूबा मुफ्ती उन लोगों को क्यों खींच रही है जिनका नसरुल्ला से या उस आतंकवादी संगठन से कोई मतलब नहीं है? वो तो जश्न मना रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ मेरे देश के पॉलिटिशियन से है कि आपको अगर स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है बोलने की, अपना ओपिनियन रखने की, तो आपका एक अपने देश के लिए कर्तव्य भी है कि आप किसी भी तरह की टेररिज्म की प्रशंसा। वेरी नाइस सर।